हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माइना स्टाइल कॉर्नर। मैं आज आपके सामने आई हूँ ग्लोइंग स्किन के लिए एक अच्छे से नेचुरल होम रेमेडी के साथ। सबसे पहले ये होम रेमेडी के लिए हमें चाहिए नींबू। नींबू में जो हुआ विटामिन सी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज आपको स्किन पोर्स में जो हुआ डर्ट को निकालने में और आपकी अंदर से इंस्टेंट ग्लोइंग लाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें हमें नींबू रस डालना चाहिए, थोड़ा सा नींबू रस। फ्रेंड्स, इसमें मैं ले लिया नींबू रस और इसके साथ नमक ऐड करना चाहिए। नमक में मैग्नीशियम आयोडीन है। आयोडीन आपकी बोन हेल्थ को बड़ा करने में बहुत ही मदद करती है और आपकी स्नान का पानी में 2 स्पून सॉल्ट लेने से आपको बॉडी पेंस हटाते हैं। ये सॉल्ट आपकी चेहरे को ग्लोइंग लाने के लिए और आपके चेहरे पर जो हुआ डेड स्किन को निकालने के लिए बहुत ही मदद करती है। इसमें हमें लेना है 1/2 चम्मच सॉल्ट। फ्रेंड्स, इसमें हमें यूज़ किया था लेमन जूस और नमक। ये दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से मिलाना है। ये चीज़ आपको क्लेंजर जैसे काम करती है और आपकी डेड स्किन को निकालने में और आपकी डैमेज्ड स्किन को रिपेयर करने में बहुत ही मदद करती है। ऐसा ये दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद इसको आपके चेहरे पर अप्लाई करना है। मैं मेरी हाथ के ऊपर लगा के दिखाती हूँ आपको। ऐसा आपके चेहरे पर लगा दीजिए, ऐसा अप्लाई कीजिए आपके चेहरे पर। ऐसा अप्लाई करने से आपकी स्किन पोर्स में जो हुआ डर्ट निकालती है और आपकी डेड स्किन सेल निकालती है। आपको इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन मिलती है। ऐसा अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए। फ्रेंड्स, ये हमारी पहली स्टेप है। इसमें हमें हमारे चेहरे को क्लीन करना है। मैंने 2-3 मिनट अच्छी तरह से क्लीन किया था, मसाज किया था। क्लीन करने के बाद कूल वाटर से वॉश कीजिए। फ्रेंड्स, आप आपकी स्किन को क्लीन करने के बाद और एक बाउल लेना चाहिए। इसमें दही ऐड करना है। दही में जो हुआ प्रोटीन्स आपकी स्किन त्वचा को स्मूथ करने में, मॉइस्चर करने में बहुत ही मदद करती है और आपकी स्किन को नरिशिंग करने में बहुत ही यूज़फुल है। और इसमें नींबू भी डालना चाहिए। ये दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से मिलाना है। फ्रेंड्स, इसमें मैं डाला दही और नींबू रस। ये दोनों में विटामिन सी है और आपकी स्किन को, डेड स्किन को निकालने में वो बहुत ही मदद करती है। दही आपको स्किन को सॉफ्ट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये दोनों चीज़ों की अच्छी तरह से मिलाने हैं। ऐसे मिलाने के बाद ये फेस पैक को आपके चेहरे पर लगाना चाहिए। मैं मेरी हाथ के ऊपर लगा के दिखाती हूँ आपको। आप जैसे आपके चेहरे पर लगा दीजिए। फ्रेंड्स, इससे पहले हमें यूज़ किया नींबू रस और नमक। नमक से हमारी स्किन पोर्स में जो हुआ डर्ट निकल गई और अभी हमारी स्किन पोर्स ओपन हो गई। अब हमारा फेस पैक अप्लाई करने से आपकी स्किन पोर्स में दही और लेमन जाके अंदर से ग्लोइंग लाती है और बाहर से जो भी हुआ टैन और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है। ऐसा अप्लाई कीजिए। ऐसा अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा क्लीन कीजिए। आप कूल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पैक आप लगाई तो आपके चेहरे पर जो हुआ डेड स्किन निकालती है, टैन भी निकालती है और आपके चेहरे पर जो भी हुआ डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करने में ये पैक बहुत ही मदद करती है। और इसमें हमें यूज़ किया नींबू। नींबू रस एंटी एजिंग जैसे भी काम करती है। ऐसा हफ्ते में 2-3 बार लगे तो आपकी ग्लोइंग और फेयर स्किन मिलती है।
फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।